रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर रक्षाबंधन त्योहार को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में फूड विभाग की टीम ने शहर की लगभग आधा दर्जन मिठाई की दुकानों में छापेमारी की। फूड विभाग की टीम पहुंचते ही मिठाई के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान सौरभ स्वीट हाउस के कारखाने के अंदर खोए में चूहा तथा दूध में मरी हुई मक्खी मिली। सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानदार को कड़ी फटकार लगाते हुए मिठाई के नमूनों को सील कर दिया। इसके बाद बीच शहर में स्थित गोपाल रेस्टोरेंट नरेश स्वीट्स हाउस में छापेमारी के दौरान बड़ी अनियमितता मिली। इसके बाद दुकानदारों को नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि नोटिस का जवाब ना देने पर सभी दुकानदारों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर, आज क्या कार्रवाई हुई है? आज कुछ दुकानों पर जो है रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत और कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत जो है कुछ दुकानों पर जो है जांच किया गया। वहां पर से जो है खोए का सैंपल लिया गया है और कुछ मिठाइयां जो है अखबार में लिपटी हुई भी पाई गई हैं, उनको सख्त हिदायत दिया गया है कि इस तरह के काम न करें। और सैंपल कलेक्ट किया गया है, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। अगर नमूना फेल होगा तो कार्रवाई की जाएगी। कुछ दुकानों में चूहे भी, खोए के ऊपर चूहे मिले हैं। हाँ, ये हाँ, दुकान पे गए थे वहाँ पे जो है, तो वो जो है उन्होंने खराब मटेरियल रख रखा था। वहाँ पे जो है मक्खियाँ और चूहे इस तरह से थे, तो उनको हिदायत दिया गया है कि कोई भी खराब मटेरियल अपने दुकान में रखें और तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कराएं। तो अपने सामने हम लोगों ने उसको जो है डिस्ट्रॉय करा करके जो है उनको निर्देशित किया है। सर, यहाँ पे भोपाल में जो है काफ़ी पुरानी मिठाई बनी हुई लगी हुई, क्या है? हाँ, उसका सैंपल लिया जा रहा है और सैंपल जो है कलेक्ट करके उसको भेजा जा रहा है। अगर सैंपल फेल होगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।